साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर जो भी मुझसे मिलता है उसका आमतौर पर एक ही सवाल होता है कि सर, मुझे शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल अनाड़ी हूं और मुझे आपसे शेयर मार्केट सीखना है। यही जब मेरे साथ होता है कि जब मैं बाज़ार जाता हूँ, दुकानों पर जाता हूँ, शॉपिंग मॉल्स में जाता हूँ, पतंजलि स्टोर्स में जाता हूँ, वहाँ जो भी मुझे मिलता है वो मुझसे एक ही प्रश्न करता है कि सर, मुझे आपसे शेयर मार्केट सीखना है और मैं शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ। इसी प्रकार मेरे साथ काम करने वाले मेरे जो सहकर्मी हैं वो पिछले 3-4 सालों से मुझे कह रहे हैं कि सर, आपसे शेयर मार्केट सीखना है, आप कब टाइम निकालेंगे? तो ना तो मैं उनके लिए टाइम निकालता, ना उनके पास टाइम है कि वो मुझसे शेयर मार्केट सीखे। तो आखिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि दुनिया में हर चीज़ की पढ़ाई होती है, हर चीज़ की पाठशाला है, लेकिन शेयर मार्केट की कोई पढ़ाई दुनिया में ऑथेंटिक पढ़ाई होती नहीं है, जिसमें आपको शेयर मार्केट ABCD से लेकर के PhD तक सिखाया जा सके, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने अपनी एक महेश कौशिक की पाठशाला प्रारंभ करने का निर्णय किया। इसके अंदर वर्चुअल क्लासेस बनाएंगे, अपने वर्चुअल कक्षा चालू करेंगे, नर्सरी से चालू करेंगे, नर्सरी फिर LKG फिर UKG फिर कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब तक ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। मेरे पास जो भी शेयर मार्केट का ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि पूरा आप पे उडेल दूँ, पूरा आप पे उडेल दूँ, आप मुझसे शेयर मार्केट सीख करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। देखो, लोग शेयर मार्केट में आ जाते हैं, बिना कुछ सीखे आ जाते हैं, कुछ दिन जुआ सट्टा करके अपना सब कुछ पैसा हार उर के वापस चले जाते हैं। तो ये कोई हारने की चीज़ नहीं, बिजनेस है पूरा, इसको आपको सीखना पड़ेगा और मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना और स्टेप बाय स्टेप नर्सरी के वीडियो से चालू करके आगे आगे आपको मेरे साथ में बढ़ते चले जाना है। तो आज का ये वीडियो शेयर बाजार की पाठशाला में नर्सरी नामक काल्पनिक कक्षा का है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको शेयर बाजार में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं है, आपको ABCD भी शेयर बाजार की नहीं आती। लेकिन यदि आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है, आपको शेयर बाजार में निवेश करते हुए काफ़ी साल हो गए, तो भी आप इस वीडियो को देखें। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आप आज तक पहले नहीं जानते थे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं, मैं आज आपको इस क्लास में सबसे पहले 3 कॉमन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक तो कि क्या शेयर बाजार एक गेम है, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या शेयर बाजार एक गेम है, इसको गेम की तरह खेलते हैं क्या, ये गेम है क्या, लोग ये समझते हैं कि गेम है शेयर बाजार। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर, मैं क्या उधार पैसा लेकर इस गेम को खेल सकता हूँ? तो भाई, ये गेम नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर ये कि क्या शेयर बाजार गेम है, शेयर बाजार एक गेम नहीं है। या मान लो ये मूर्ख लोग इसको गेम समझते हैं। देखो, मूर्ख लोग तो क्या करते हैं, सड़क पर कार चलाते हुए भी इसको गेम समझते हैं। एक मूर्ख लोग जो होते हैं आमतौर पे, वो सड़क पे कार भी चलाते हैं, उसको गेम की तरह चलाते हैं, उसको रेस मानते हैं, साथ वाली ट्रक वालों से रेस करते हैं, साथ वाली कार वालों से रेस करते हैं, ओवरटेक करते हैं, ये मेरे से आगे निकल गया, मैं इसको आगे नहीं निकलने दूंगा। और उस कार ड्राइविंग को भी गेम की तरह चलाते चलाते वो या तो खुद ऊपर पहुंच जाते हैं या सामने वाले को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही मूर्ख लोग शेयर बाजार को गेम मानते हैं, लेकिन शेयर बाजार गेम नहीं है, ये एक शुद्ध बिजनेस है, शुद्ध व्यापार है। शेयर बाजार एक शुद्ध बिजनेस है। आपको पहला प्रश्न ये समझ लेना चाहिए कि ये गेम नहीं है। यदि आप इसको गेम की तरह खेलना चाहते हैं, गेम की तरह करना चाहते हैं, तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, आगे की क्लासों में मेरे से पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये शुद्ध बिजनेस की तरह जो इसको करना चाहता है वही मेरे साथ में रहे, प्योर बिजनेस है ये शेयर बाजार, कोई गेम नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये जुआ सट्टा है, लोग शेयर बाजार को जुआ सट्टा भी समझते हैं। तो शेयर बाजार जुआ सट्टा नहीं है, दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। मैं शेयर बाजार को दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस कहता हूं, और क्यों कहता हूं आप समझ लो। इसके अंदर आपको कोई दुकान या कोई लोरी आदि किराए पर नहीं लेनी पड़ती। कोई टमाटर भी बेचता है तो लोरी किराए पर लेके बेचता है, या उसकी खुद की जो लोरी होती है, लोरी खड़ी करने का भी टंटा होता है, कहाँ खड़ी करेंगे, कहाँ झंझट है। तो यहाँ कोई दुकान किराए पे नहीं लेनी पड़ती, दुकानों का किराया देते हैं, लोग बिजनेस करते हैं तो गोदाम का किराया देते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको वर्चुअली एक डीमैट अकाउंट खुलता है, सिर्फ वो डीमैट अकाउंट का जरूर सालाना किराया लगता है, उसके अलावा वो भी 300-500 रुपये होता है डीमैट अकाउंट का सालाना किराया। उसके अलावा कोई किराया आपको नहीं देना पड़ता, कोई दुकान नहीं खरीदनी पड़ती, कोई दुकान किराए पर नहीं लेनी पड़ती, कोई आपको लोरी नहीं खरीदनी पड़ती, कोई लोरी किराए पर नहीं लेनी पड़ती। और दुकान में आपका पड़ा पड़ा सामान क्या है, कई बार नहीं बिके तो खराब भी हो सकता है, दुकान में जो सामान पड़ा रहता है वो यदि नहीं बिके तो खराब भी हो सकता है, लेकिन हमारा सामान ऐसा है, हमारे जो शेयर ऐसे पड़े पड़े हमें डिविडेंट देते हैं। यदि आपके नहीं बिकेंगे प्रॉफिट कमा के, तो आपको ट्रेडिंग करने की उसमें ऐसी कोई अड़ी नहीं है कि आप ट्रेडिंग ही करो। यदि आपने अच्छी कंपनियों के शेयर लिए हैं, आप यदि उनमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 5-6% प्रॉफिट कमा के बेच के निकल जाऊँ,
तो भी यदि वो नहीं बिकते हैं तो भी आपको पड़े पड़े डिविडेंड देते हैं। खुद मेरे खाते में पड़े, मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं 6% प्रॉफिट कमा के किसी शेयर से बाहर निकल जाना उचित समझता हूँ। मैंने मेरे वर्षों की मेहनत तो और रिसर्च से तय किया कि 6% प्रॉफिट एक स्टैंडर्ड टारगेट मैं रखता हूँ। लेकिन खुद मेरे खाते में वो पड़े पड़े जब कोई शेयर 6% नहीं देता तो साल के 18-20 हज़ार रुपये तो डिविडेंड के जमा हो जाते हैं। साल के 18-20 हज़ार रुपये डिविडेंड के आ जाते हैं। पड़े पड़े वो शेयर आपको डिविडेंड देते हैं। दुकान में पड़ा पड़ा सामान आपका खराब होता है, तो ये दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। फिर आप दुकान करते हो तो उसके अंदर 100 तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको दिन भर दुकान में बैठे रहना पड़ता है। देखो दुकान में आपको दिन भर बैठे रहना पड़ता है। एक दुकानदार को देखो आप, अपने पड़ोस के दुकानदार को जाके, सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात को 9-10 बजे दुकान से घर पे आता है। बिजनेस करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ यदि आप ईमानदारी से 1 घंटा भी मेहनत कर लेंगे शेयर बाजार में, यदि आप ईमानदारी से मुझसे सीख करके रोज़ 1 घंटा भी लगा लेंगे तो समझो ज़्यादा हो गया, आपके दुकानदार से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और 1 घंटा भी मेहनत कर लेंगे तो समझो ज़्यादा हो गया। तो ये जुआ सट्टा नहीं है, ये दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि क्या शेयर बाजार में हम रातों रात अमीर बन सकते हैं? तो देखिए, आप शेयर बाजार में रातों रात अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि एक प्योर बिजनेस है। आज कोई व्यक्ति फैक्ट्री डालता है, कोई व्यक्ति सीमेंट की फैक्ट्री डालता है, तो रातों रात अमीर थोड़ी बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसके अमीर बनने की गारंटी है कि यदि वो सीमेंट की फैक्ट्री डालेगा, सही ढंग से सीमेंट की फैक्ट्री का मैनेजमेंट चलाएगा, सीमेंट का एक अच्छा ब्रांड बनाएगा, एक अच्छा सीमेंट का प्रोडक्शन करेगा, देश भर में उसकी ब्रांचें खोलेगा, देश भर में उसके फैक्ट्री के सीमेंट के ब्रांड के उसके डीलर बनाएगा, देश भर में उसकी दुकानों पे उस माल को सप्लाई करेगा, उचित प्रॉफिट कमा के बेचेगा, तो एक दिन वो अमीर बन जाएगा। लेकिन फैक्ट्री डालते ही नहीं बनेगा। लेकिन हमारा स्मार्ट बिजनेस ऐसा है कि फैक्ट्री में तो बनाने में, डालने में, उसको पैसा कमाना चालू करने में 3-4 साल का टाइम लगेगा। और यहाँ आप डीमैट अकाउंट खोलने के 1-2 दिन बाद ही आप, हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके रातों रात अमीर बन जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो इन तीन मूल प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको आपकी नर्सरी में बताया कि आपके पहले दिमाग में प्रश्न ये घूमता है, क्या शेयर बाजार एक गेम है? नहीं है। क्या शेयर बाजार जुआ सट्टा है? नहीं है। और क्या इसमें रातों रात अमीर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अब हम बात करते हैं कि क्यों शेयर बाजार में लोग पैसा हार जाते हैं। क्यों लोग ऐसे बात करते रहते हैं कि मेरे शेयर बाजार में इतने रुपए डूब गए? क्यों आप ये सुनते हैं कि फला आदमी शेयर बाजार के अंदर बर्बाद हो गया? क्यों ऐसे अखबारों में आता है कि शेयर बाजार क्रैश हो गया और एक ही दिन में निवेशकों के 45,000 करोड़ रुपए हुए साफ? तो देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। जो अखबारों में आता है ना कि एक ही दिन में निवेशकों के 45,000 करोड़ रुपए हुए साफ, वो तो क्या होता है, काल्पनिक नुकसान है। मार्केट गिरता है तो वो ऐसे गिनती कर लेते हैं कि किसी निवेशक के आज 10 लाख के शेयर थे, उसके आज मार्केट गिरने पर उसकी वैल्यूएशन घट के 9 लाख रह गई, तो कहेंगे उसको 1 लाख का घाटा हो गया। अरे कैसे हो गया घाटा? आपका मान लीजिए किसी सिटी के अंदर प्लॉट है, आपने वो प्लॉट 20 लाख रुपए में लिया है, मैं आपको कहता हूँ कि आपको 16 लाख में बेचना है क्या? तो वो क्या है, ऑफर प्राइस है। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आपके, मैं कह रहा हूँ कि आपका प्लॉट बहुत गंदी जगह पे है, वहाँ पानी बिजली की समस्या है, वहाँ आपका प्लॉट तो खड्डे में है, वहाँ सड़कें नहीं गई, तो आपने 20 लाख का लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 16 लाख से ऊपर इसकी कीमत नहीं आएगी। तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आज मुझे बेचना है तो आप 16 लाख में बेच दो। तो इसका ये थोड़ी हो गया आपको 4 लाख का घाटा हो गया। तो वो तो क्या है, काल्पनिक घाटा है, नोशनल लॉस है। वो जब तक आप बेचोगे नहीं, आप डर के मुझे वास्तव में अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा देते हो, आप अपना 20 लाख का प्लॉट मुझे 16 लाख में बेच देते हो, तो ही आपको 4 लाख का घाटा है। तो अखबार में आप पढ़ते हो ना कि शेयर मार्केट क्रैश हुआ, एक ही दिन में निवेशकों के 45,000 करोड़ रुपए हुए साफ, तो वो साफ नहीं हुए, वो तो ऐसा नोशनल लॉस है। आज मार्केट किसी कारण से गिर गया तो आपके ऑफर प्राइस है वो कि भाव कम आ रहा है शेयरों का, उन्होंने ऐसे गिन लिया कि कुल इतनी मार्केट की कैपिटल इतनी थी, उसने 45,000 करोड़ रुपए कम हो गई, तो अब सारे निवेशकों का गिन गिना के सबका कह दिया साफ हो गए। तो जिंदगी भर लोग ऐसे अखबारों में पढ़ते रहते हैं और डरते रहते हैं, कभी भी शेयर मार्केट में नहीं आते, जबकि एक बहुत अच्छा पूरी जिंदगी में वो एक पैसा कमाने के सुनहरे अवसर को इस तरह से करके हाथ से निकाल देते हैं। तो आज के हम मूल प्रश्न पे आएंगे कि शेयर बाजार में लोग ऐसे पैसा हार क्यों जाते हैं, क्या कारण है। कि बहुत से अब आप कहेंगे साहब चलो ये तो नोशनल लॉस होगा, लेकिन मेरा पड़ोसी कह रहा था कि मैं तो शेयर बाजार में 5 लाख रुपए हार गया, ऐसे कैसे हार गया? आपके सहकर्मी हो सकता है कि आपको रोज रो के बताते हो कि आज तो 40,000 हार गया, आज तो 50,000 हार गया, तो ऐसे कैसे हार जाते हैं? देखो शेयर बाजार में जो बिजनेस है वो 3 प्रकार का होता है। शेयर बाजार में आप जो काम करते हैं वो 3 प्रकार का होता है। उसमें 1 प्रकार का ही बिजनेस है, बाकी 2 प्रकार की तो जुआ सट्टा है, स्पेकुलेशन है। तो देखिए, एक तो होता है इंट्राडे,
इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, इसको व्यापार या बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, ये शुद्ध सट्टा है। जिसे गेम कहते हैं ना, गेम वो है, ये गेम कहते हैं क्या, क्रिकेट बाजार एक गेम है, लोग इसको क्रिकेट के गेम की तरह खेलते हैं, आज कौन सी टीम जीतेगी, आज कौन सी टीम हारेगी। तो शुद्ध सट्टा है कि सुबह वो शेयर खरीदते हैं और उस पर भी करेला वो भी नीम चढ़ा कि वो शेयर कैसे खरीदते हैं, उधारी में खरीदते हैं, अपन उनका ब्रोकर उनको पैसे उधार देता है, उनके पास जो 5,000 रुपये है, उनके पास तो 5,000 रुपये है, लेकिन उनका ब्रोकर कहता है कोई बात नहीं बेटा 45,000 रुपये मैं तुम्हें उधार देता हूँ, इसको मार्जिन बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार्जिन देता हूँ, जाओ 45,000 का तुम 50,000 के शेयर खरीद लो। अब वो सोचते हैं कि शाम तक ये 3 बजे तक मार्केट बंद होते होते 50,000 के शेयरों का भाव बढ़ गया और 54,000 हो गए तो हमें 4,000 रुपये मिल जाएंगे, बड़े खुश होते हैं। जो छोटा निवेशक होता है वो यही गलती करता है, उसके पास होते ही 5-10,000 रुपये और वो क्या करता है, वो 5,000 रुपये डालता है, 50,000 का माल खरीदता है, पहले दिन तो उसको 54,000 मिल जाते हैं, मान लो बाई चांस उसका दुर्भाग्य उसका भाग्य खराब हो तो उसको मिल जाते हैं 4,000 रुपये, वो बड़ा खुश होता है कि आज देखो 5,000 लगाए 4,000 कमा लिए, 3-4 उसके फ्रेंड और मार्केट में आना शुरू कर देते हैं, चलो हम भी आते हैं, हम भी खाता खुलाते हैं, हम भी कमाएंगे। लेकिन कभी मार्केट गिरता है, 50,000 के शेयरों की वैल्यू घट के 46,000 रह गई तो उसके 4,000 रुपये चले जाते हैं, डूब जाते हैं, तो 5,000 रुपये उसकी टोटली पूंजी थी, अब उसके पास 1,000 रुपये बच गए, 1,000 रुपये वो अगले दिन, अब वो 4,000 जो डूब गए उनको निकालने के लिए अगले दिन वो क्या करता है, कहीं से उधार मांग मूंग के 6-7,000 और लाता है, फिर 8,000 का गेम खेलता है, 8,000 लगा के 80,000 के शेयर लेता है, उस दिन वो 8,000 भी चले गए तो वो उधारी के जाल में फंस जाता है। तो इस प्रकार से लोग पैसा हारते हैं, वो किस में हारते हैं, इसमें इंट्राडे में हारते हैं, इसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। ये उसी प्रकार से जैसे आप क्रिकेट के गेम पे सट्टा करते हो, जैसे कोई ये शर्त लगाए कि आज शाम को 4 बजे तक बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, बारिश नहीं हुई तो तुम मुझे 5,000 देना, बारिश का क्या भरोसा, हो भी जाए और नहीं भी हो, तो इसमें कोई आइडिया नहीं लगता, इसमें कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करते, इसमें कोई सीखने नहीं सीखने का कोई मतलब नहीं है, लोग क्या करें टिप की तलाश में रहते हैं इसमें कि टिप लेके लगा देंगे। तो इसमें भी क्या होता है, आपने कभी ताश के पत्ते दिखा के ताश खेले हैं क्या, तो वो पत्ते दिखा के ताश खेलने वाली सी बात है कि आपका जो ब्रोकर होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको पता होता है आपने ब्रोकर से पैसा उधार लिया है, उनको पता है कि आपने उधार लेके ये शेयर 50,000 रुपये के परचेज किए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो पैसा है 25,00,000 के उसी कंपनी शेयर को बेच देंगे, तो बेच देंगे तो वो शेयर इतना गिर जाएगा वो आपको कहेंगे आप स्टॉप लॉस भी लगा के रखना, स्टॉप लॉस लगाना कि आपके 5,000 में 2,500 से ऊपर घाटा नहीं हो, तो आपका स्टॉप लॉस वो उड़वा देते हैं, टिगर करा देते हैं, या क्या करते हैं आपका जब घाटा 5,000 से ऊपर होने लगा तो आपका ब्रोकर ही आपके शेयर बेच देता है, कहता है आपके 5,000 रुपये पूरे चले गए, जाओ यहाँ से, कल से मत पधारना। तो इस तरह का खेल है ये, इसको इंट्राडे कहते हैं। तो ये इंट्राडे करने की मैं मेरे फॉलोअर्स को कभी भी सलाह नहीं देता। यदि आप मुझसे शेयर बाजार सीखने आए हैं तो अभी इसी टाइम इसी वक्त सौगंध खाइए कि आप मुझसे शेयर बाजार सीखेंगे तो आप इंट्राडे में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपकी पोजीशन दिखाई देती है स्क्रीन पे और दिखाई देती है, इसलिए ज़्यादा पूंजी वाले आपको आसानी से हरा सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस आसानी से ट्रिगर करा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि यदि आप मेरी क्लासों को पूरा अटेंड करेंगे, मेरी शिक्षा को आत्मसात करेंगे, मेरा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आज मेरे 3,00,000 फॉलोअर जैसे पैसा कमा रहे हैं वैसे आप इंट्राडे से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, आपको इंट्राडे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है इंट्राडे के बाद में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, शर्त लगाने जैसा काम भी इसमें भी होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ऑप्शन के 7 दिन से लेकर के होते हैं, ये भी 7 दिन से कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, जो 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी होता है, साल भर के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं हालांकि, लेकिन ज़्यादातर 1 महीने और 3 महीने के चलते हैं, 3 महीने के बहुत कम चलते हैं। आजकल तो लोगों को जल्दबाजी है, फटाफट करोड़पति होना है, तो वो 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और इसके अंदर भी वो बड़े आसानी से पैसा हारते हैं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर पेन थ्योरी काम करती है, उनको मालूम होता है, जो बड़े बड़े ये ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, सब आपके खाते की डिटेल होती है, सबको मालूम होता है कि आपने किस साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। तो पेन थ्योरी ये काम करती है कि आपको छोटे निवेशक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की संरचना इस प्रकार से हुई है कि कम पैसे वाले की जेब से पैसा निकल के ज़्यादा पैसे वाले की जेब में आ जाए। तो यदि आपके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, आपके पास पूंजी यदि ज़्यादा नहीं है, तब तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना, ये भी एक शर्त लगाने समान होता है, ज़्यादातर लोग इसमें पैसा हारते हैं। तो ये भी कोई सेफ विधि नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आप करते हो तो इसमें कोई सेफ विधि नहीं है। इसमें आप ठीक है, आप यदि जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी होगी साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, उसे मैंने आपको क्या बताया, एक एक लॉट से आप करते हो, छोटा लॉट लगाते हो, एक एक लॉट से करते हो, तो दो हाथियों के युद्ध के अंदर दो हाथियों की जो लड़ाई है उसमें चींटी बीच में से उठा के भाग जाती है, वैसे आप पैसा निकाल के उसमें से जा सकते हो। लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉट लगाने पर भी पेन थ्योरी आपके ऊपर भी काम
कर जाती है, आपका बड़ा लॉट दिखाई देने लगता है स्क्रीन पे, और आपकी विपरीत चाल में जो दूसरे बड़े ट्रेडर होते हैं वो विपरीत चाल चल के आपको आसानी से हरा सकते हैं, इसमें आसानी से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा सकते हैं। तो लोग बाग फ्यूचर ऑप्शन में ही पैसा आते हैं, तो इसके अंदर भी आपको जरूरी नहीं आप इसी में करें। मैं जो पाठशाल आपको बता रहा हूँ उसमें फ्यूचर ऑप्शन आएगा अवश्य, लेकिन आगे की जो क्लासें हैं, जो पीएचडी स्तर की क्लासें हैं, जब आप कैश मार्केट के अंदर कम से कम 16 लाख रुपए मेरी वीडियो से कमा लेंगे, उसके बाद आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब आपकी लॉट साइज ही इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लॉट साइज बड़ी हो जाएगी, आप मान लो आपको इतना कैश हो गया आपके पास कि आप एक बार के अंदर 8 लाख के शेयर परचेज करते हैं, 8 लाख के शेयर आप एक बार के लिए परचेज करते हैं, वो भी 1-2 महीने के लिए करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि फ्यूचर में ही लॉट परचेज कर लो, कॉल परचेज कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है उस समय। यदि आपकी लॉट साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उस स्तर पर जाके हम आपको फ्यूचर ऑप्शन में लेके आते हैं, इससे पहले हम आपको फ्यूचर ऑप्शन में नहीं लेके आते। तो इसके अंदर मेरी 2 किताबें हैं वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैंने 2 बुक लिखी है जो अभी ज़्यादा जल्दी में है, जो अभी मतलब नर्सरी क्लास में है, लेकिन अब लोगों को पहले ये रहता है, ये पीएचडी स्तर का पाठ्यक्रम है, ये जो फ्यूचर ऑप्शन है ये हमारी क्लास में पीएचडी स्तर में जाके आएगा, वो पीएचडी स्तर नहीं, वो एमए तक पढ़ाई नहीं करते, वो सीधे पीएचडी करते हैं। जूते की दुकान करने वाले मुझे ऐसे मिले जो जूते बेच रहे हैं, लेकिन मैं उनकी दुकान में गया, मुझे देख के बड़े खुश हो गए, ओह सर पधारो 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 आओ आओ। तो मैंने कहा, मैं सोचा कि ये क्या हो गया कि जूते इनके नहीं बिकेगा बहुत सालों से। तो उन्होंने पूछा कि सर आप वही होना जो यूट्यूब पे शेयर बाजार सिखाते हो। कहाँ? तो उन्होंने कहा सर मैंने वो फ्यूचर में फला फला लॉट लिया है, इतनी मैंने कॉल सेल कर दी, इतने लॉट ले लिए, अब क्या होगा, बैंक निफ्टी गिरता जा रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तब मैं क्या सुझाव दूँ उनको। तो मैंने उनको पूछा कि आपको डीमैट खाता खुला है कितने दिन हुए? वो कहे दिन तो 21 दिन हुए डीमैट खाता खुला है, तो 20 दिन में आते ही फ्यूचर ऑप्शन ही टिकाया, क्या हो यही पैसा तो इसमें ही आता है, बाकी में क्या है। तो वो ऐसा इस तरह से यदि आप करना चाहते हैं तो आप यहीं यूट्यूब वीडियो को बंद कर दो, ये जो मतलब नर्सरी क्लास में फेल हो गए आप, फिर समझो आप ये मानना कि मेरी नर्सरी क्लास में भी अनुत्तीर्ण हो गए, आप पधारो घर पे, आराम से फ्यूचर ऑप्शन भले ही करना, लेकिन ये आपको पीएचडी स्तर पे मैं सिखाऊंगा, इससे पहले आपको फ्यूचर ऑप्शन नहीं सिखाऊंगा। तीसरी बात आती है डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट की, तीसरा जो है डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट, यानी आप एक डीमैट खाता खुलाते हैं, जैसे आपके सामान रखने का गोदाम होता है वैसे डीमैट खाता के गोदाम है, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखे रहते हैं, सेविंग अकाउंट में आपके क्या रहता है पैसा रहता है, वैसे डीमैट खाते में आपके शेयर रखे रहते हैं। तो ये डीमैट खाता यदि आप खुलाते हैं और पूरा पैसा कैश देके कोई शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने आपने पूरा पैसा उसका कैश में दे दिया और वो शेयर आपको फिजिकल रूप से आपके डीमैट अकाउंट के अंदर डिलीवर हो गया, डिलीवरी आ गई उसकी, ये प्योर बिजनेस है। इसके बाद आपकी मर्जी, आप उस शेयर को 1 दिन में बेचो, आप उस शेयर को 1 महीने में बेचो, आप उसको 1 साल में बेचो, आप उसको 10 साल में बेचो, नहीं बेचो जिंदगी भर उसका डिविडेंड खाओ, वो आपकी मर्जी। तो हम आपको यहाँ इस तरह का डिलीवरी बेस्ड जो कैश इन्वेस्टमेंट है उससे आपको प्योर बिजनेस करना सिखाएंगे, और मैं वादा करता हूँ यदि आप ढंग से सीखेंगे तो आप ये इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप इनके अंदर पैसा हारने की, इनमें पैसा लगाने की मूर्खता करना बंद कीजिए, पहले आप डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट में मुझे 16 लाख रुपए कमा के दिखाइए, उसके बाद मैं खुद आपको फ्यूचर ऑप्शन की क्लास में ले आऊँगा, जब तक आप दो पीएचडी में आ जाएंगे उसके बाद आप इसके अंदर आएंगे। तो ये क्या है, प्योर बिजनेस है, डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट है, आपकी क्लासों में आगे आपको इसी से स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा और स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं मान रहा हूँ बिल्कुल नए आपको ABCD भी नहीं आती, क्योंकि हमारी क्लास भी देखो ना, हम जो मतलब नर्सरी क्लास से अभी पढ़ रहे हैं, तो नर्सरी क्लास के हिसाब से मैं आपको और थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दूं बिल्कुल नए लोगों के लिए, कि मान लो आपने 100 शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे तो आपका 10,000 रुपये का कैश इन्वेस्टमेंट हुआ, आपने पूरा का पूरा पैसा 10,000 रुपये कैश में चुकाया, कोई मार्जिन नहीं लिया इसमें, यह है डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट। और वो 10,000 रुपये के शेयर आपके 100 शेयर आपके डीमैट खाते में डिलीवर हुए, एक इलेक्ट्रॉनिकली खाता होता है डीमैट खाता जो NSDL और CDSL में खुलता है, आगे आपको LKG क्लास में उसके बारे में और भी विस्तार से बताया जाएगा। तो वो 10,000 रुपये के शेयर पूरे के पूरे आपके डीमैट खाते में आ गए, अब आपको दिखता है कि मेरे ये 10,000 रुपये शेयर डीमैट खाते में आ गए, आपने उनको कुछ दिन होल्ड किया, हो सकता है 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, अब आपका कंपनी में हिस्सा है, कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी है, 10,000 रुपये की आपकी कंपनी में हिस्सेदारी है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है आपका, आप कंपनी चलाने के लिए खुद नहीं जाते, आपका पैसा जाता है। ये प्रश्न आता है बार बार कि क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस वीडियो में अभी मैं आगे दूंगा। तो ये यहां सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट में निवेश करना इसलिए अलाउ होता है क्योंकि वो अपनी सरकारी नौकरी करते हुए कंपनी चलाने नहीं जा रहा, उसने कंपनी को खाली पैसा दिया है,
उसने खाली पैसा दिया है, उसका जो 10,000 रुपया है वो कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में उसका पैसिव इन्वेस्टमेंट है, उसको कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, उसको कंपनी के बिजनेस में पार्ट हिस्सा नहीं लेना, उसको मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन नहीं लेना सरकारी कर्मचारी को, वो अपनी सरकारी नौकरी करे आराम से। और अब ये देखो NPS वगैरह क्या होता है, आजकल ऐसे वीडियो चल रहे हैं, भ्रम लोगों में बहुत ज़्यादा फैल गया है कि साहब सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकता। तो आप बताओ NPS में क्या होता है, NPS आखिर जो न्यू पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम में भी जो सरकारी कर्मचारी का पैसा है वो किस में जाता है, शेयर बाजार में जाता है। तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने पर आप पे कोई रोक नहीं, अभी मैं आगे और स्थिति स्पष्ट करूंगा, इसी आज की क्लास में करूंगा। तो ये आपका कंपनी में पैसिव इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 रुपये का। अब उस शेयर की वैल्यू बढ़ के मान लो 110 रुपये हो गई, तो आपके ये 100 शेयर 11,000 के हो गए। अब आप इसको बेच लेते हो तो आपको क्या होता है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट एक दिन में भी हो सकता है, ये 10 दिन में भी हो सकता है, ये 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल भी नहीं हो क्या पता। तो जैसा आपको, अब यही तो शेयर चूज करने कि कौन से शेयर बढ़ेंगे। अब आपके लिए यदि 10% प्रॉफिट आपको सुफिशियंट दिखता है, मैं तो 6% ही सुफिशियंट मानता हूँ, मैं आगे आपको समझाऊंगा आगे की क्लासों में जब आप जाओगे कि 6% प्रॉफिट मैं क्यों सुफिशियंट मानता हूँ। तो आपने यदि 11,000 के शेयर बेचे तो आपका 10,000 मूल पैसा वापस आ गया और 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये इस तरह से इसमें प्रॉफिट कमाएंगे हम, जो डिलीवरी बेस्ड कैश इन्वेस्टमेंट है इस तरह से प्रॉफिट कमाएंगे। और यदि आपके ये जो 100 शेयर थे इनका भाव 110 होना आवश्यक नहीं है, शेयर बाजार नीचे की तरफ भी चलता है, ये घटके यदि 90 रुपये ही हो गया इनका भाव तो क्या होगा, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 रुपये रह गई। अब आप कहेंगे 1,000 का घाटा हो गया, 1,000 घाटा हो गया, अरे कैसे घाटा हो गया, अभी मैंने आपको बताया था ना ये तो ऑफर प्राइस है 90 रुपये, जब तक आप इसको बेचोगे नहीं तब तक आपका नॉमिनल लॉस है, ये 1,000 रुपये का लॉस खाली कागजों में है, आप इसको बेच दोगे तब ये रियल लॉस में चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं हमारी विधि में, हम कभी भी लॉस बुक नहीं करते, हमारा प्रॉफिट हमेशा रियल प्रॉफिट होता है, लॉस हमेशा नॉमिनल लॉस होता है। उसमें से क्या होता है कि ज़्यादातर हम इस तरह से आपको अच्छी अच्छी विधियाँ बताएंगे, अच्छी कंपनियाँ चूज करना बताएंगे जो आपको आज नहीं तो कल प्रॉफिट दे ही देगी, ऐसी उनको एवरेज आउट करने की हमारे पास ऐसी ऐसी विधियाँ मैंने ढूंढी है इतने सालों से, मैं 2004 से शेयर बाजार में काम कर रहा हूँ, 20 सालों के मेरे अनुभव से मैंने ऐसी ऐसी विधियाँ ढूंढी है कि आप कितना भी खराब से खराब गिरता हुआ शेयर हो उसमें कैसे एवरेज करें, किस विधि से करें, वो सब आगे की जो क्लासें आएंगी उनमें हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जाम्पल अपनी पत्नी के खाते के उदाहरण का दे देता हूँ कि 2014 में मेरी पत्नी ने सुडाल इंडस्ट्री के 15 रुपये के भाव पर 200 शेयर खरीदे। आप देख सकते हैं इसको, ये मेरा जो ब्लॉग था एक माई पेनी शेयर ब्लॉग है, उसमें खुद मैंने भी रिकमेंड किया था, उसमें मेरी रिकमेंडेशन भी कई बार रॉन्ग हुआ करती थी, 2014 की बात है, तब मैं सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं था, मैंने मार्केट में शेयर बाजार का कोर्स भी नहीं किया हुआ था, मैं भी एक आम आप लोगों की तरह निवेशक था, तो मुझसे भी गलतियाँ होती थी। उसके अंदर 2014 में ये सुडाल इंडस्ट्री का शेयर रिकमेंड किया 15 रुपये पे, और पूरी ईमानदारी हमारे मेरी खुद मेरी पत्नी ने भी इसके 200 शेयर खरीदे। देखो ये बात तो मैंने हमेशा से रखी कि कैपिटल को हम बांट के लगाते हैं, एक साथ सारा पैसा किसी भी शेयर में लालच में नहीं लगाते, ये मैं आपको भी आगे सिखाऊंगा। अभी तो आप जो नर्सरी क्लास में हो आगे आ जाओ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कैपिटल को कितने हिस्सों में बांट के लगाना है शेयर बाजार में। तो हम एक साथ पैसा नहीं लगाते, 200 शेयर खरीदे, खाली 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 15 रुपये के भाव परचेज किए थे, और वो इतना गिर गया कि 2020 के अंदर जब कोरोना आया तो ये सुडाल इंडस्ट्री का शेयर 15 रुपये से गिरते गिरते 3 रुपये के आसपास आ गया, यानी 3 रुपये से भी कम आ गया, 2 रुपये 90 पैसे, 2 रुपये 85 पैसे, ऐसा इसका प्राइस चल रहा था। तो 200 शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, अब 3,000 के इन्वेस्ट की वैल्यू घट के 600 रुपये रहेगी, 2400 रुपये कागजों में लॉस था। देखो आप ये बात हमेशा ध्यान रखो, ये नॉमिनल लॉस था जो कागजों में था, और फिर ये बढ़ता बढ़ता 2024 में जब 30 रुपये के करीब आया, हमने हमारे पैसे को दुगना कर लिया लगभग, तब ये 6,000 रुपये हमने इसमें बेच करके निकाल लिया, 200 शेयर थे 30 रुपये के भाव बेचे तो कितने हो गए 6,000 रुपये आ गए, और आज कितने पे चल रहा है 48 रुपये पे चल रहा है। अब देखो ये तो क्या होता है, पेनी शेयर है, बढ़ते रहते हैं। तो इसको हमने क्या हुआ कि जब ये 2400 रुपये का नॉमिनल लॉस हुआ तो हमने माना हमारे पूरे पैसे ही चले गए। कोई कोई कंपनी ऐसी होती है, देखो अब आप कहोगे कि साहब 10 सालों में दुगना पैसा कर भी लिया तो क्या कर लिया, अरे दुगना पैसा हमने जानबूझ के किया। ये लोग तो क्या करते हैं, 15 रुपये से ऊपर आता ना दोबारा, 3 रुपये का भाव देख लिया, जैसे ही 15 से ऊपर आता है 16-17 में बेच के निकल जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कम से कम 6% हमें बैंक ब्याज तो मिले, 6% सालाना की दर से हमें बैंक ब्याज तो मिले, तो बैंक ब्याज को भी हमने ग्रोथ से मानते मानते, कंपाउंडिंग मानते मानते लगभग 30 के करीब आया, तो हमने बैंक ब्याज लेके निकल गए। और 48 तक इंतजार इसलिए नहीं किया कि ये पेनी शेयर होते हैं,
ये पेनी शेयर होते हैं, इनका कोई पता नहीं होता दोबारा कब से गिरना स्टार्ट कर दे। ये सर्किट पे ही तो बढ़ते हैं और सर्किट पे ही नीचे उतरते हैं, फिर यदि सर्किट नीचे का लगने लग गया तो आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये लॉस जो होता है वो कागजों में होता है जब तक आप उसको रियल में बेच के बुक नहीं करते हैं। तो आपको क्या होगा, हजारों में से एक कंपनी कोई ऐसी होगी जो पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। जैसे फेडर्स इलेक्ट्रिक की कंपनी थी, फेडर्स इलेक्ट्रिक, वो पूरी तरह समाप्ति हो गई। पुंज लॉयड है, वो पूरी तरह से समाप्ति हो गया। तो हजारों में से एक दो कंपनी ऐसी होगी जो पूरी तरह डिलिस्ट हो जाएगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप जब पर डे खूब सारे शेयरों में 6-6%, 7-7% प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आपका पैसा रोटेट होता जा रहा है, कई कई गुना पैसा हो गया, तो इस विधियों में एक आधी शेयर में यदि ऐसा कभी फंस भी जाए, हालांकि आजकल तो हमने इसमें भी एडवांस विधियां खोल दी, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे सुडाल इंडस्ट्री में हम इससे पहले बाहर निकल सकते थे, आगे क्लास में बताऊंगा कैसे फेडर्स इलेक्ट्रिक में भी हम बाहर निकल सकते थे डीलिस्ट होने से पहले, कैसे पुंज लॉयड में भी यदि हमने विवेक से कार्य किया होता तो कैसे उसमें भी हम डीलिस्ट होने से पहले उल्टा प्रॉफिट कमा के बाहर निकल सकते थे। ये सब मैं आगे की जो क्लासें आएगी उनमें आपको ये विधियां बताऊंगा। तो ये विधि क्या है, डिलीवरी बेस्ड कैश इन्वेस्टमेंट की विधि है, इसी पे मैं आपको आगे ज़्यादा समझाने वाला हूँ। तो अब एक पर्सन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। तो देखिए, इस बारे में आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 को आप पढ़िए, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का रूल संख्या 35A है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी शेयरों के अंदर स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, सट्टा नहीं कर सकता। तो सट्टा किसे कहते हैं, परिभाषा की बात है। निवेश करने पे कोई रोक नहीं सरकारी कर्मचारी। देखो, आपके जो एनपीएस होती है, जो न्यू पेंशन स्कीम आप सुनते हो, जो एनपीएस जो सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन का फंड करता है, सरकारी कर्मचारी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, वो सब आखिर क्या होते हैं, शेयर बाजार में तो निवेश है। तो इन्वेस्टमेंट करने से दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अपने कर्मचारी को नहीं रोकती, लेकिन सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का नियम 35 से ये कहता है कि सरकारी कर्मचारी शेयरों में सट्टा नहीं कर सकता, स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। अब स्पेकुलेशन क्या होता है, इंट्राडे को स्पेकुलेशन माना जाता है, इंट्राडे सट्टा है, तो इंट्राडे सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। फ्यूचर ऑप्शन को भी स्पेकुलेशन की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी ये सट्टा है। अब आप कहेंगे कि ये मैं मेरे मन से कह रहा हूँ, क्या मन से नहीं कह रहा, ये परिभाषाएं हैं, ये आप इनकम टैक्स रूल्स के तहत जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग कहता है, आयकर विभाग भी आखिर भारत सरकार के विभाग है ना, सरकार के विभाग है, वो विभाग ये कहता है कि आपकी शेयरों में इंट्राडे की आय स्पेकुलेशन आय में गिनी जाती है, आपकी फ्यूचर ऑप्शन की आय बिजनेस आय में गिनी जाती है, लेकिन वो भी एक प्रकार का स्पेकुलेशन है, उसको भी स्पेकुलेशन माना जाता है। इनकम टैक्स के रूल से तो खाली इंट्राडे ही स्पेकुलेशन माना जाता है, फ्यूचर ऑप्शन भी चाहे तो इसके अंदर इनकम टैक्स के रूल में तो उस परिभाषा में नहीं आता, लेकिन हम जो है ज्यादा से ज्यादा इसको फ्यूचर ऑप्शन को भी स्पेकुलेशन इसलिए मान सकते हैं कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजनेस की श्रेणी में आता है, और सरकारी कर्मचारी स्पेकुलेशन नहीं कर सकता तो बिजनेस भी नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो फ्यूचर ऑप्शन को हम बिजनेस की श्रेणी में आने के कारण इसको भी अलग रखते हैं। देखो, पहला तो इंट्राडे को क्यों अलग रखते हैं, वो स्पेकुलेशन की श्रेणी में आता है तो सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता, फ्यूचर ऑप्शन बिजनेस की श्रेणी में आता है इसलिए सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। लेकिन जो डिलीवरी बेस्ड कैश इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप शेयरों का पैसा पूरा चुका के अपने खाते में उसकी डिलीवरी लेते हैं डीमैट खाते में, वो इस सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 के नियम 35 के दायरे में नहीं आता, क्योंकि ना तो वो स्पेकुलेशन है, ना वो बिजनेस है, वो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट करने से दुनिया की कोई भी सरकार अपने कर्मचारी को नहीं रोकती। अब आप कहोगे साहब, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रिक्वेंटली बाय सेलिंग को, जो फ्रिक्वेंटली बाय सेलिंग जो होती है उसको स्पेकुलेशन माना जाएगा, तो अरे भाई, फ्रिक्वेंटली बाय सेलिंग इंट्राडे से उसका मतलब है, और आप इतना फ्रिक्वेंटली थोड़ी करेंगे भाई। आप कोई शेयर खरीदते हैं, वो बाई चांस 100 में से एक शेयर ऐसा होगा ना जो एक दिन दो दिन बाद ही बढ़ेगा, कोई आपको 6 दिन भी होल्ड करना पड़ेगा, कोई आपको 10 दिन भी होल्ड करना पड़ेगा, आपकी मनसा देखी जाती है, आपकी इंटेंशन क्या है। और इनकम टैक्स की परिभाषा में इसकी जो इनकम है ये इंट्राडे की, ये स्पेकुलेशन में गिनी जाती है, फ्यूचर ऑप्शन की बिजनेस में इनकम गिनी जाती है, और डिलीवरी बेस्ड जो कैश इन्वेस्टमेंट है उसकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में गिनी जाती है। कैपिटल गेन यानी आपने जो कैपिटल गेन किया, चाहे आपने कोई प्लॉट खरीद के बेचा, अब आपने कोई प्लॉट परचेज किया, वो प्लॉट मान लो 10 लाख रुपए का था, अगले दिन ही ग्राहक मिल गया, उसने वो कह रहा है मैं इसके 12 लाख देने को तैयार हूँ, अब आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या सरकार के पैसे उसको एक दिन में बेचेंगे? नहीं, अरे बेचेंगे, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। प्लॉट की यदि आपके विधिवत यदि उसकी मतलब रजिस्ट्री होगी तो वो सट्टा नहीं है, रजिस्ट्री करा ली, आपकी मंशा तो उसको साल भर से ज्यादा रखने की थी प्लॉट को, आपकी मंशा तो उसको 10 साल से ज्यादा रखने की थी, लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट एक दिन में हो रहा था, आपने बेच लिया। ऐसा ही इसमें आप डिलीवरी बेस्ड जो कैश इन्वेस्टमेंट है, आप सारे शेयर थोड़ी एक दो दिन में बेच देते हैं, कोई कोई शेयर आप साल भर से ज्यादा भी होल्ड करते हैं,
तो आपकी इंटेंशन इसमें क्या देखी जाती है, इंटेंशन ये कि आपकी इंटेंशन इन्वेस्टमेंट करने की थी, आप तो कंपनी में डिविडेंड लेना चाहते थे, लाभांश लेना चाहते थे, परंतु आपको 6% से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, तभी हमने प्रॉफिट जो टारगेट है कम से कम 6% क्यों दिया है। बैंक FD में आपको 6% मिलता है, लेकिन जब आपको बैंक FD से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था 2 ही दिन में 3 दिन में, तो कोई भी सरकार आपको नहीं रोकती, आप उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुका रहे हैं, आप जिसको बेच लिया। एक इसमें यह भी होता है कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे नियम लाई कि जो ग्रुप ए और बी के कर्मचारी है उनको 50,000 से ज्यादा सालाना निवेश का विवरण सरकार को देना पड़ेगा, मना नहीं उनको, ले सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने 50,000 से ज्यादा का निवेश किया है साल भर में। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 25,000 से ज्यादा का निवेश सरकार को बताना पड़ेगा, तो वो निवेश चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो शेयरों में हो, चाहे सोने में हो, चाहे जमीन में हो, प्रॉपर्टी में हो, इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है वो। तो इसका अर्थ ये नहीं सरकारी कर्मचारी को शेयर बाजार करने से रोक है, सरकारी कर्मचारी को शेयर बाजार में स्पेकुलेशन करने से रोक है। तो मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो गया होगा कि सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, उसको सिर्फ इंट्राडे नहीं करना, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना, डिलीवरी बेस उसको कैश इन्वेस्टमेंट करना है। फिर वो इन्वेस्टमेंट यदि अच्छा प्रॉफिट देता है आपको तो आप उसमें बेच भी सकते हैं। तो ये था आज की नर्सरी क्लास का वीडियो। आपने इसमें ये जाना कि यदि शेयर बाजार को गेम की तरह नहीं किया जाए, जुए सट्टे की तरह नहीं किया जाए, तो दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है शेयर बाजार, दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। आज के वीडियो में आपने ये जाना और तो आपको आज की नर्सरी में मैंने आपको ये सिखाया कि शेयर बाजार से ऐसा कोई डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के वीडियो में आपने ये भी सीखा कि कैसे हम शेयर को होल्ड करके उसके नॉमिनल लॉस को भी धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर बदल सकते हैं। आगे मैं आपको और भी विधियां बताऊंगा उसको एवरेज करने की, ऐसी ऐसी विधियां बताऊंगा कैसे आप नॉमिनल लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। तो ये आज की नर्सरी क्लास का वीडियो था, मिलते हैं अगले LKG क्लास के वीडियो में। लेकिन जाइएगा नहीं, रुकिएगा नहीं भाई, आप नर्सरी क्लास के बच्चे हो तो एक कविता सुनना, पोइम सुनना तो बनता है, नर्सरी क्लास के बच्चों को एक पोइम सुनानी पड़ेगी तभी नर्सरी के बच्चे खुश होंगे ना, तो एक पोइम सुन के जाइए जाते जाते नर्सरी क्लास की। तो मेरे प्यारे नर्सरी के बच्चों, आपके लिए आज की कविता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शेयर बाजार है बहुत मजेदार, इंट्राडे करना यहाँ सबसे बेकार, जो बगैर सीखे करते वो जाते हैं हार, जो बिजनेस की तरह करते इसमें व्यापार, वो अमीर बनकर करते हैं चमत्कार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले नर्सरी LKG क्लास के वीडियो में, नमस्कार। फेमस शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।